अगर बत्तियां भारत में होने वाले धार्मिक अनुष्ठानों का हमेशा से अहम हिस्सा रही हैं, गोल गोल उड़ते उनके धुएं में आशा और प्रार्थना का मेल होता है। ये अगरबत्तियां यहां बनती हैं गंगा के किनारे, इसीलिए ये और भी विशेष हो जाती हैं। ये उन फूलों से बनी हैं जिन्हें आमतौर पर मंदिर में चढ़ाया जाता है और फिर नदियों में फेंक दिया जाता है। लेकिन फूलों से बनी अगरबत्तियां जलने के बाद मिट्टी में मिल जाती हैं और इस तरह नदी प्रदूषण से बच जाती है। सो एट दिस वेरी प्लेस, आई गेस इट वाज जनवरी 2015, हम इसी जगह पर थे। जनवरी 2015 की बात है। मेरा एक चेक दोस्त था, कानपुर में मुझसे मिलने आया था। हम नदी के प्रदूषण, मंदिर के कचरे, चमड़े के मुद्दे और सीवेज के बारे में बात करने लगे। तभी बहुत से लोग नदी में फूल मालाएं फेंकने लगे। फिर मंदिर का एक छोटा सा ट्रक आया, फूलों को फेंक कर चला गया। उसी पल मैंने सोचा कि मंदिर से निकलने वाले कचरे के बारे में अभी तक किसी ने कुछ नहीं किया है। No one has ever done anything. We always about temple waste. अंकुर अग्रवाल और कानपुर में रहने वाले करण रस्तोगी दोनों ही गंगा किनारे पले बढ़े। दोनों को जिस बात ने प्रेरित किया वो आज एक सफल बिजनेस मॉडल है। हेल्प अस ग्रीन मंदिर के कचरे से चीजें बनाती है। पर्यावरणविद बताते हैं कि हर साल लगभग 80 लाख टन फूल नदियों में डाले जाते हैं। हालांकि फूल जैविक रूप से विघटित हो जाते हैं, लेकिन वे कीटनाशकों और रासायनिक पदार्थों के साथ मिलकर पानी को दूषित करते हैं। इस प्रदूषण से हेपेटाइटिस, हैजा और डायरिया जैसी बीमारियां हो सकती हैं। हमारे ट्रक कानपुर में मंदिर से फूल लेने जाते हैं। ऐसे तीन ट्रक हैं जिनका अलग अलग रूट है। हम रूट ऐसे बनाते हैं कि समय कम लगे। फूलों को लाने के बाद उनका वजन किया जाता है, फिर उन्हें अलग अलग महिलाओं को दे दिया जाता है। वे फूलों की पत्तियों, धागों और कांच की बोतलों को अलग करती हैं। फिर ये महिलाएं अगरबत्तियां बनाती हैं, फूलों को सुखाती हैं। हमने भारत में पहली बार चारकोल मुक्त अगरबत्ती बनाई। इस प्रक्रिया में आर्सेनिक और सीसा जैसे रसायन हटाए जाते हैं। अब तक हम मंदिरों के 7,000 टन से ज्यादा फूल इस्तेमाल कर चुके हैं। मतलब ये कि हमने 70 किलो कीटनाशकों को नदी में जाने से रोका है। हेल्प अस ग्रीन में अभी 79 लोग काम करते हैं। इसमें ज्यादातर गरीब और पिछड़े समुदाय की महिलाएं हैं। इनमें से बहुत सी महिलाएं पहले कूड़ा उठाती थी। क्योंकि हमारे गली में सब परजात लोग रहते हैं, तो वो लोग हमारे घर नहीं आते थे। अब जब से यहाँ हम लोग ड्यूटी करने लगे, साफ सफाई अच्छे से रहती है, अच्छे से बोलते हैं सभी लोग मेरे घर। हम हो या ना, मेरे घर में कोई ना कोई जरूर जाएगा, मेरे घर में बैठा रहता है। जब से यहाँ ड्यूटी के लिए हर चीज खरीद ली मैंने। करण रस्तोगी और अंकित अग्रवाल अब बेकार हुए फूलों का इस्तेमाल करने के इस मॉडल को दूसरे उद्योगों और प्लांट तक ले जाना चाहते हैं। वे 2022 तक 5,000 लोगों को रोजगार देना चाहते हैं। मेरी उम्मीद और सपना है कि शहर और देश के हर कोने में ऐसा प्लांट बनाएं ताकि कुछ भी बर्बाद ना हो और लोगों को रोजगार मुहैया करा पाएं और इनके इर्द गिर्द पूरी अर्थव्यवस्था बनाएं। ये हमारे लिए वरदान है।